मैं काशिफ सर, एहसान साहब का कल फोन आया था। ओ हाँ, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। ठीक लग नहीं रही आप। जॉबलेस हूँ सर, बेटी की डेथ हो गई है, हालात अच्छे नहीं है सर। ओ देखिए, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके हालात के बारे में जानकर, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मिस्टर शावेस ने आपको जॉब से क्यों निकाला? वो सर, देखिए बिल्कुल भी घबराइए मत, रिलैक्स हो जाए, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ, कंप्लीट ट्रुथ। मैं लालच में आ गया था सर। सर शावेज ने मुझे बोनस और प्रमोशन का लालच दिया था और इसी लालच ने मुझसे ये घिनौना अमल करवाया, वरना मिस आफरीन तो एक बहुत नेक अच्छी लड़की थी, बाकिरदार, समझदार, और सर शावेज हर हालत में उसे मैंने मिस आफरीन की तस्वीरें खींच ली और फिर फोटोशॉप करके ऑफिस में मैंने ही फैलाई थी सर। सर शावेज इन्हीं तस्वीरों के जरिए मिस आफरीन को ब्लैकमेल करते रहे। मुझे तो मेरे किए की सजा मिल गई है, मेरी बेटी की बीमारी के बाद डेथ हो गई। सर शावेज से मैं नौकरी के लिए भीख मांगता रहा हूं सर, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी सर, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मुझे आपसे हमदर्दी है। देखिए मिस्टर काशिफ, मैं आपकी बेटी की डेथ का अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं, आपको ये जॉब दोबारा दे दूं। जी जी, आप आज से ही हमारा ऑफिस ज्वाइन करें अपनी पुरानी वाली पोस्ट पर। अगर सर शाफिज, अब इस बिजनेस के तमाम तर मामला मेरे हाथ में, इसलिए आप घबराइए नहीं, अपनी सीट पर जाके बैठिए। एहसान साहब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रुकिए मिस्टर काशिफ, मुझे मिस आफरीन का नंबर चाहिए। जी है आपके पास? जी है सर, बिल्कुल है। दीजिए। बताइए। 0312। ठीक, आप जा सकते। थैंक यू। अगले हफ्ते ना मेरी शादी है। वाह यार सीमा, तुम बहुत लकी हो। हाँ लकी हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हंसी। ये हुस्न का जादू ही है जो हर लड़के पे सर चढ़ के बोलता है। तुम्हें पता है आसिम और उनकी अम्मी इस हफ्ते मुझे अंगूठी बनाने के लिए आ रहे हैं। आंटी ने मुझे अंगूठी की पिक्चर व्हाट्सएप की है, अंगूठी डायमंड की है और उसमें 9 हीरे लगे हुए। तुमने कभी देखे? नहीं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, सफर करो। बहुत अमीर है वो लोग। ये देखो ये डायमंड की रिंग है, बहुत पैसे वाले हैं ये लोग।
यार, है ना? तो बहुत लकी हो, पता है मुझे। फेंक दे शेरियार, शेरियार फेंक दे। अब्बा वो मैंने अजहर को कहा था आपको क्लिनिक ले जाए और आपकी पट्टी करा देगा। नजा ख्याल आ गया उसे बाप का। ख्याल तो आ ही जाता है ना अम्मा, उसने मुझे खर्चे के पैसे भी दिए, मैंने अम्मा को दे दिए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है उसकी भाई। चले ना अब्बा, आप तो दिल खराब मत करें। अरे बेटा, बरसों का मैला दिल दो लफ्जों की फुहार से धुल नहीं जाता, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अच्छा चले, आप तैयार हो जाए, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए। खुदा दूं जैसी बेटी सबको दे और अल्लाह मियां आप जैसे अब्बा हर बेटी को दे। चले आप तैयार हो जाए। अच्छा मैं तैयार हो जा। ये किसका फोन आ गया? मैं फोन देखती हूँ। हेलो।